मिलके खा लिया, पैसा लेके खा लिया। मेरा भाई मेरे हाथ में नहीं है। दोस्तों, आप सब ने यूपी के कानपुर का मामला तो सुना होगा, वही जहां पर पहले एक शख्स को किडनैप किया गया और फिरौती की गई 30 लाख की। 30 लाख मिलने के बावजूद भी उस शख्स की हत्या कर दी गई, जिसका नाम था सजीत कुमार। सजीत यादव एक लैब टेक्नीशियन था। सजीत यादव हत्या मामले में उठ रहे तमाम सवालों के बीच पुलिस विभागों में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। अब इस मामले में 7 और पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई जारी है। इससे पहले सीईओ मनोज गुप्ता और एसएसपी अर्पणा गुप्ता समेत 4 पुलिस कर्मी को निलंबित कर दिया गया था। थाना प्रभारी रणजीत राय और चौकी इंचार्ज राजेश कुमार को भी सस्पेंड किया जा चुका है, यानी अब कुल 11 पुलिस कर्मी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इस मामले में अब तक 5 आरोपी पकड़े भी जा चुके हैं। अब इस केस में एडीजी बीपी जोगदंड को जाँच सौंपी गयी है। यह पता किया जाएगा कि पीड़ित परिवार ने फिरौती दी है या नहीं। अब वहीं एक खबर आ रही है यूपी के गोंडा से अगवा हुए एक व्यवसायी के पोते को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। इस घटना में 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। अब इस मामले में एक लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में 4 लोगों की गिरफ्तारी और हुई है। अपहरण की वारदात आने के कुछ ही घंटों बाद यूपी पुलिस ने इस मामले की गुत्थी को सुलझा लिया। गिरफ्तारी से पहले पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ की खबर है। आपको बता दें कि साकुशल रिहाई कराने वाली एसटीएफ की टीम को सरकार ने 2 लाख का इनाम दिया है, लेकिन कानपुर हत्याकांड में संजीत कुमार का मामला अभी जारी है। अब सवाल उठता है कि जिस तरह से यूपी में इस तरह का कांड हो रहा है, कभी हत्या कभी अपहरण, तो ऐसे में यूपी सरकार क्या कर रही है? योगी सरकार के लिए ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या योगी सरकार सो रही है।